आइए हम लोग इतिहास के इस क्लास में आए। आधुनिक भारत के इतिहास में जो बातें हो रही थीं उसमें जो बातें हो रही थीं उसमें जो कहा गया था कि हम लोग भारत के बाहर जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे उनकी बातें हो रही थी। तो भारत के बाहर क्रांतिकारी आंदोलनों में हम लोगों ने देखा था कि लंदन में जो क्रांतिकारी आंदोलन भारतीयों द्वारा चलाए जा रहे थे, जो संगठन बनाए गए थे, और साथ में पेरिस में जो संगठन बनाए गए थे, ये बातें हो गई थी। फिर हम लोग अमेरिका में आए थे कि अमेरिका में भारतीयों द्वारा किस तरह के क्रांतिकारी कार्य किए जा रहे हैं, अमेरिका में जो भारतीय हैं उनके द्वारा जो क्रांतिकारी संगठन बनाए गए थे, और भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे उसकी कुछ बातें हुई थी, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि यहाँ जो लोग बहुत ही सक्रिय थे उसमें आपके तारकनाथ दास, बरकतुल्ला, रामनाथपुरी, जीडी कुमार, इन लोगों के नाम देखे गए थे, और इन लोगों से संबंधित जो संगठन थे, पत्रिकाएँ थे, इसके पहले वाला पिछला जो टॉपिक है उसमें ये सारी बातें हुई हैं उसको देखिएगा, क्योंकि यहाँ से इन तीनों चारों लोगों से अमूमन प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो मिस ना हो उसको ध्यान दीजिएगा। अमेरिका और कनाडा के पश्चिमी तट पर भारतीय बसे हुए थे। यहाँ भारतीय जो आए थे अधिकांश पंजाब के होशियारपुर और जालंधर जिलों से लोग आए हुए थे, वो एक सुखद जीवन की आस में यहाँ आकर बसे हुए थे, जिसमें से अधिकांश सेना से रिटायर्ड लोग थे, किसान थे, कुछ लोग तो अपनी सारी ज़मीन जायदाद बेच कर यहाँ आए हुए थे, कुछ लोग उसे गिरवी रख के आए हुए थे। लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हें वास्तविकता पता लगी कि यहाँ जो उनके साथ द्वयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है, समानता का व्यवहार नहीं किया जाता है, यहाँ जो यूरोपियन लोग हैं वो भारतीयों के साथ समानता का व्यवहार नहीं करते हैं, और विशेषकर यहाँ जो यूरोपियन मजदूर थे वो नहीं चाहते थे कि भारतीय यहाँ रहें। तो ये यूरोपियन मजदूरों के दबाव में, यूरोपियन लोगों के दबाव में कनाडा सरकार ने यह नियम बनाया कि अगर कोई भारत से सीधे कनाडा आएगा तो उसे तो प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन अगर भारत से बाहर किसी अन्य देश से कोई भारतीय कनाडा आता है तो उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जैसे मलाया से आप जा रहे हैं, सिंगापुर से जा रहे हैं, फिलीपींस से जा रहे हैं, तो उसे प्रवेश कनाडा में नहीं दिया जाएगा। इसी संदर्भ में कामागाटा मारू प्रकरण भी हम लोग देखेंगे। अमेरिका में हम लोगों ने देखा था कि तारकनाथ दास और जीडी कुमार, ये दोनों लोग वैंकूवर में संगठनों को स्थापित किए थे, कुछ पत्रिकाएं निकाले थे। इसके बाद ये दोनों लोग सिएटल आ गए, और सिएटल में आके इन लोगों ने यूनाइटेड इंडिया एसोसिएशन का गठन किया, यूनाइटेड इंडिया हाउस का गठन किया, और यहाँ पर इन लोगों का जो संपर्क हुआ वो खालसा दीवान सोसाइटी से हुआ। खालसा दीवान सोसाइटी से हुआ यह खालसा दीवान सोसाइटी से हुआ यह सिखों के का एक संगठन था। अधिकांश लोग पंजाब से थे, तो अधिकांश लोग सिख ही थे अमेरिका और कनाडा में जो लोग थे। तो इन दोनों लोगों ने यूनाइटेड इंडिया हाउस और खालसा दीवान सोसाइटी ने दोनों मिलके अपना दो शिष्टमंडल भेजे, एक शिष्टमंडल लंदन और एक शिष्टमंडल आपका भारत आया। ये लंदन में भारत सचिव से मिलने के लिए गया था, और यह शिष्टमंडल आपका भारत में वायसराय यानी गवर्नर जनरल और पंजाब के गवर्नर से मिलने गया था तो इसे आप वायसराय कहें या फिर आप गवर्नर जनरल कहें, दोनों के अंतर की बात पहले हो चुकी है, उसे ध्यान रखिए। वायसराय गवर्नर जनरल ही वायसराय की भूमिका में होता था, और यह पद जो आया सबसे पहले 1858 एक्ट से आया, और उसमें क्या कहा गया कि वायसराय गवर्नर जनरल ही वायसराय का कार्य करेगा। दोनों में अंतर क्या है उस लेक्चर को ध्यान दीजिएगा, ठीक।
अब ये दोनों भारत सचिव, अच्छा यहाँ आप लोगों को शायद ये लेक्चर यूट्यूब पे नहीं था, तो ये वायसराय और गवर्नर जनरल के अंतर को जान लीजिए। वायसराय जो है यह जो ब्रिटेन का सम्राट है और भारत में जो रियासतें हैं, रियासतों के जो राजा हैं, रियासतों के राजा, इनके बीच जो भी संवाद होगा उसमें मध्यस्थ की जो भूमिका अदा करेगा वह वायसराय होगा। यह गवर्नर जनरल के रूप में, गवर्नर जनरल के रूप में जब वो कार्य करता है तो अपनी काउंसिल के साथ होता है, काउंसिल में निर्णय किया जाता है, अकेले वो निर्णय नहीं कोई करता है, लेकिन यहाँ जो होगा अकेले रहेगा वो, यानी सम्राट और भारतीय राजाओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा, इनकी बात यहाँ रखेगा, इनकी बात यहाँ रखेगा। तो एक ही व्यक्ति को दोनों पद दिए गए थे। तो यहाँ ये शिष्टमंडल गए लंदन में, तो ये भारत सचिव से मिलने में नाकाम रहे। करीब एक महीना तक ये लोग लंदन में रहे, लेकिन इन्हें उन्हें समय नहीं दिया मिलने का। वायसराय से ये मिलने में सफल हुए, पंजाब के गवर्नर से भी इनकी मुलाकात हुई। ये मुलाकात किस उद्देश्य से की गई थी, शिष्टमंडल किस उद्देश्य से भेजा गया था? शिष्टमंडल इस उद्देश्य से भेजा गया था कि वहाँ जाकर यहाँ कनाडा और अमेरिका में जो भारतीयों के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है उसकी बात बताएं, और ये ब्रिटेन सरकार कनाडा की सरकार पर यह दबाव डाले कि वह अपने नियमों में जो कानून बनाई है उसमें परिवर्तन करे, उसे बदल दे। इसीलिए शिष्टमंडल जाना था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसमें रुचि नहीं ली, क्योंकि ब्रिटिश सरकार भी चाहती थी कि भारतीय वहाँ ना बसें। कल जो बात हुई थी कि ब्रिटिश सरकार क्यों चाहती थी, ब्रिटिश सरकार इसलिए चाहती है क्योंकि यहाँ जो भारतीय हैं ये यूरोपियन मजदूरों के साथ कार्य करेंगे, तो दोनों मजदूर होंगे, और भारत में भारतीयों के मन में ब्रिटिश लोगों या यूरोपियन लोगों के प्रति किस तरह का भाव है, वो उन्हें श्रेष्ठ मानते हैं, और इसी श्रेष्ठता के आधार पर ब्रिटेन भारत में शासन कर रहा है, तो यह श्रेष्ठता खंडित हो जाएगी। इसलिए ब्रिटिश सरकार भी नहीं चाहती थी कि ये लोग यहाँ बसें। जब यहाँ से कोई बात नहीं बनी, तब 1913 में पंडित काशीराम के घर सिएटल में, पोर्टलैंड में पंडित काशीराम के घर पर एक मीटिंग हुई, एक बैठक हुई, और इस मीटिंग में जो लोग शामिल थे उसमें आपके लाला हरदयाल, लाला हरदयाल, आपके रामचंद्र पेशावरी, अन्य लोगों में आपके बरकतुल्ला भी हैं, और परमानंद बरकतुल्ला, तो इन ये लोग अन्य भी लोग थे जिनसे लेकर, जिनको साथ लेकर यह मीटिंग हुई थी, और इसी मीटिंग में यह तय किया गया था। यह मीटिंग हुई थी मई 1913 में, और इसी मीटिंग में, यानी पोर्टलैंड की यह जो मीटिंग हुई है, इसी में यह तय किया गया कि एक एसोसिएशन का गठन किया जाए, और उस एसोसिएशन का नाम रखा गया हिंद एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट। इस एसोसिएशन का नाम रखा गया हिंद एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट, और यह तय किया गया कि इस एसोसिएशन की तरफ से एक पत्रिका निकाली जाए, और उस पत्रिका का नाम रखा गया गदर। तो इसी एसोसिएशन की तरफ से एक पत्रिका निकालने का भी निर्णय हुआ, और इस पत्रिका का नाम गदर रखा जाना था। गदर का मतलब होता है क्रांति, तो ये अपने नाम से ही जग जाहिर थी कि किस लिए यह संगठन गठित किया गया है, और यह पत्रिका किस उद्देश्य से निकाली जा रही है।
नवंबर 1913 में इस पत्रिका का पहला अंक आया सामने। नवंबर 1913 में इस पत्रिका का पहला अंक आया सामने और यह अंक उर्दू में था। दिसंबर 1913 में यह पत्रिका गुरुमुखी में भी आई, गुरुमुखी में भी छपी। यह पत्रिका इतनी विख्यात हुई कि यह जो संगठन है, एसोसिएशन है, इसका नाम ही लोग क्या कहने लगे, इसे लोग कहने लगे गदर पार्टी, इसे लोग गदर पार्टी के रूप से जानने लगे। इतनी यह पत्रिका विख्यात हुई। इस पत्रिका में विभिन्न लेख जो छपते थे वो तो छपते ही थे, साथ में इसमें 14 सूत्रीय कच्चा चिट्ठा छपता था। 14 सूत्रीय कच्चा चिट्ठा ब्रिटिश सरकार के, भारत में जो ब्रिटिश सरकार शासन कर रही है उसका कच्चा चिट्ठा, 14 कच्चे चिट्ठे इसमें छपते थे, जिसे 14 कच्चा चिट्ठा बोला जाता था, 14 सूत्री। इसमें ये बताया जाता था कि ब्रिटिश सरकार भारत में क्या कर रही है, यानी वो सेना, सैन्य पर अधिक खर्च कर रही है, सैन्य व्यय उसका अधिक है, स्वास्थ्य पर कम खर्च है, उसकी नीतियों के कारण बार बार अकाल पड़ रहे हैं, भारतीयों के साथ भारतीयों का कर बढ़ाया जा रहा है, विभिन्न जो भू राजस्व प्रणालियाँ थीं उसकी खामियों को बताया जाता था। तो इसी प्रकार की बातें इन 14 सूत्री कच्चा चिट्ठा में बताया जाता था। अब इसके साथ इसमें कविताएं छपती थी, तो गदर की जो कविताएं थीं यह बहुत लोकप्रिय हुई, बहुत लोकप्रिय हुई। लोग जहां भी बैठते थे गदर की इन कविताओं को गुनगुनाने लगते थे, गुनगुनाते थे। यह पत्रिका जो छपी है आपने देखा, पहला अंक इसका किस में छपा, पहला अंक इसका उर्दू में छपा है, पहला अंक इसका उर्दू में छपा, पहला अंक उर्दू में छपा है। फिर इसके बाद दूसरा अंक आपका उर्दू के बाद यह गुरुमुखी में छपी, यानी उर्दू गुरुमुखी दोनों में छप रही है। यह अन्य जिन भाषाओं में भी छपी वो भाषाएं हैं अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, गुजराती। तो इस प्रकार ये 6 भाषाओं में, ये 6 भाषाएं हो गई। और एक अंक इसका, एक अंक इस पत्रिका का वो एक अंक पश्तो में भी छपा था, पश्तो में, यह उत्तर पश्चिम प्रांत की भाषा थी, तो एक अंक पश्तो में भी छपा था। तो कितनी भाषाएं हो गई, उर्दू गुरुमुखी, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, गुजराती, पश्तो, तो कुल 7 भाषाओं में यह छपी थी। अब यह पत्रिका जो है यह साप्ताहिक है, गदर जो पत्रिका है यह साप्ताहिक पत्रिका है, साप्ताहिक पत्रिका है। यह सवाल पूछा जाता है कि यह साप्ताहिक है कि मंथली है कि पाक्षिक है, तो यह साप्ताहिक पत्रिका है और सबसे पहला इसका अंक उर्दू में छपा। उसके बाद अनेक अंक इसके, इन भाषाओं में भी अनेक अंक इसके छपे थे, यानी कुल भाषाओं को देखा जाए तो कुल 7 भाषाएं हैं जिसमें पत्रिका छपी थी। अब जब प्रथम विश्व युद्ध होने वाला था, तो प्रथम विश्व युद्ध जब होने वाला है तो इसमें हालांकि अमेरिका प्रारंभ में न्यूट्रल है, ब्रिटेन फ्रांस और उधर जर्मनी है, तो यहाँ देखने को ये मिला कि भारतीय जो थे वह इस युद्ध का लाभ उठाना चाहते हैं, क्रांतिकारी, सभी भारतीय नहीं। इसी में हम लोग देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या कर रही है, उसके इस युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के संदर्भ में उसकी क्या रणनीति है, उसकी बात हम लोग अलग से देखेंगे। यहाँ जो क्रांतिकारियों की रणनीति है वो ये है कि इस प्रथम विश्व युद्ध का लाभ उठाया जाए, और चूँकि ब्रिटेन इस विश्व युद्ध में उलझा रहेगा तो ऐसे में भारत में अगर क्रांति कर ली जाए तो वो ज़्यादा सफल होगी, और भारतीय जो सेना है उसमें अगर
सेना में विद्रोह करा दिया जाए तो सफलता मिल सकती है। इस उम्मीद से इन लोगों ने भारत जाने का विचार बनाया। यह जो बैठक हुई थी इसी में लाला हरदयाल ने, अब यह जो बैठक हुई है इस एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं, इस एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वो सोहन सिंह भाखना है। अध्यक्ष कौन है? सोहन सिंह भाखना, भाखना। और आप कहेंगे भी कि यह इसके संस्थापक भी हैं। लाला हरदयाल इसके संस्थापक नहीं हैं, इसके संस्थापक सोहन सिंह भाखना हैं। विभिन्न किताबों में इस संगठन का स्थापना स्थल जो आपको मिलेगा वह सैन फ्रांसिस्को है, लेकिन वह गलत है, सैन फ्रांसिस्को नहीं है। यह बैठक पोर्टलैंड में हुई थी और उसी समय इसका निर्णय किया गया था। विकल्प में पोर्टलैंड है तो आप पोर्टलैंड को आँख मूंद के टिक करें। यह अमेरिका के ओरेगन प्रांत में है। अगर प्रांत के संदर्भ में ओरेगन विकल्प है, पोर्टलैंड नहीं है, तो आप ओरेगन को टिक करें। सैन फ्रांसिस्को में क्या था? सैन फ्रांसिस्को में इसका मुख्यालय बाद में स्थापित किया गया। तो इसका मुख्यालय कहाँ बना? सैन फ्रांसिस्को में बना, सैन फ्रांसिस्को में बना। युगांत आश्रम नाम से, युगांत आश्रम नाम से, युगांतर आश्रम नाम से इसका क्या बना? मुख्यालय बना। और ये कहाँ बना? सैन फ्रांसिस्को में बना। तो इसके मुख्यालय की जब बात आएगी तब आप सैन फ्रांसिस्को कहेंगे, जब स्थापना की बात आएगी तब हम लोग क्या कहेंगे? पोर्टलैंड कहेंगे। अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना है, यानी संस्थापक भी यही माने जाएंगे। लाला हरदयाल क्या हैं? लाला हरदयाल जो हैं वो सचिव हैं। सचिव कौन थे? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल सचिव भी थे और साथ में इसकी जो प्रचारक कमेटी है उस प्रचारक कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। तो सचिव भी हैं और प्रचारक कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, प्रचारक कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। इसके जो कोषाध्यक्ष हैं वो आपके काशीराम हैं। कोषाध्यक्ष काशीराम शुरू में बनाए गए थे, ठीक। तो इस संगठन के विषय में जितनी भी बातें हों सब बिल्कुल स्पष्ट क्लियर कट रखिए, क्योंकि यह संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं विभिन्न तरीकों से। तो इसी बैठक में लाला हरदयाल ने कहा था कि हमें अमेरिकियों से नहीं लड़ना चाहिए, यहाँ जो हमें स्वतंत्रता मिली हुई है उसका लाभ उठाना चाहिए और हम लोगों को भारत में चलकर वहाँ लोगों को क्रांति के लिए तैयार करना चाहिए, साथ में सेना में विद्रोह कराने का भी प्रयत्न करना चाहिए। इस बात से भी सहमति बन गई। तो विभिन्न जो इसके नेता हैं, आपके बरकतुल्ला हैं, रामचंद्र पेशावली हैं, करतार सिंह हैं, तो ये लोग क्या किए कि अब घूम घूम के विभिन्न शहरों में लोगों को भेजने के लिए प्रेरित करने लगे। भारत अमेरिका से बाहर भी जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भारतीय बसे थे, सिंगापुर में थे, मलाया में थे, फिलीपीन में थे, तो यहाँ भी ये लोग गए और उन लोगों को प्रेरित करने लगे कि इस प्रथम विश्व युद्ध का लाभ उठाया जाए और सब लोग भारत चलें और वहाँ चल के लोगों को क्रांति के लिए तैयार करें। अब यहाँ से भारत जाने की बात हुई तो करतार सिंह सराभा, करतार सिंह और रघुदयाल गुप्त, ये दो लोग सबसे पहले भारत आ गए। करतार सिंह सराभा और रघुदयाल गुप्त, अन्य लोग भी भारत आए। अब ब्रिटिश सरकार को यह बात पता लगी कि ये लोग भारत क्यों आ रहे हैं, तो अब विभिन्न बंदरगाहों पे चेकिंग शुरू हो गई। तो जिन पे संदेह होता था उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था, नज़रबंद किया जाता था, और जिन पर कोई संदेह नहीं होता था, जो भी लोग बाहर से भारत आ रहे थे, जो भारतीय थे, तो उन्हें जाने दिया जाता था अपने घर। तो कुछ लोगों को, 189 लोगों को जेल में नज़रबंद किया गया और 704 लोगों को उनके घर पे नज़रबंद किया गया। लेकिन फिर भी कुछ लोग दक्षिण से श्रीलंका होते हुए दक्षिण के राज्यों से आने में सफल हो गए,
उन लोगों की को पुलिस नहीं पकड़ पाई, तो वो लोग आने में सफल हो गए। और ये सारे लोग कहाँ आए? पंजाब। तो पंजाब ये लोग आए, और पंजाब उस समय का जो पंजाब था वह पहले का पंजाब नहीं था, 1908-9-10 का पंजाब नहीं था, जब आपने देखा था कि अजय सिंह और लाला हरदयाल जैसे लोग वहाँ थे और विभिन्न क्रांतिकारी घटनाएं वहाँ घट रही थी। तो इस समय जो खालसा दीवान सोसाइटी है वो अंग्रेज़ों के पक्ष में यहाँ थी, तो ये लोग लोगों को क्रांति के लिए प्रेरित नहीं कर पाए। तब ये विचार बना कि हम लोग सेना में विद्रोह कराएं। तो नेतृत्व की आवश्यकता थी कि नेतृत्व कौन करे, तो नेतृत्व करने के लिए सचिंद्र सान्याल और विष्णु पिंगले, वो भी अमेरिका में थे, वो भी भारत आ गए थे। तो विष्णु पिंगले और सचिंद्र सान्याल के प्रयास से मोटा भाई यानी रास बिहारी बोस से संपर्क साधा गया। रास बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र केस के षड्यंत्रकर्ता थे, जिसमें आपकी हार्डिंग पे जो बम फेंका गया था। तो रास बिहारी बोस इसके लिए तैयार हो गए, उन्हें मोटा भाई के नाम से भी जाना जाता था। तो रास बिहारी बोस तैयार हो गए और सेना में विद्रोह की एक रणनीति बनाई गई, एक योजना बनाई गई। उन्होंने जो योजना बनाई उसमें यह तय हुआ कि 21 फरवरी 1915 को विद्रोह कराया जाएगा अंबाला और लाहौर में। यह बात पुलिस को पता लग गई, क्योंकि पुलिस जो है इनके साथ एक अपना मुखबिर भी, कृपाल सिंह नामक एक मुखबिर था जो कि एक फौजी का रिश्तेदार था, तो उसको इनके संगठनों में इन लोगों ने ब्रिटिश सरकार ने घुसाने में सफल रही थी। तो वो कृपाल सिंह यह खबर ब्रिटिश सरकार को पुलिस को दे दिया कि 21 फरवरी की तिथि तय की गई है। इन लोगों को भनक लगी कि संभवतः ब्रिटिश सरकार या जान गई है, पुलिस जान गई है, तो इन लोगों ने तिथि को परिवर्तित कर दिया और 19 फरवरी की तिथि कर दी, 2 दिन पहले। लेकिन कृपाल सिंह ने इसकी भी खबर दे दी और एक साथ छापे पड़े, अनेक लोग गिरफ्तार हुए। इस संदर्भ में लाहौर षड्यंत्र केस चला। लाहौर षड्यंत्र केस में 3 केस चले। जो पहला मुख्य केस था उसमें 24 लोगों को फांसी की सजा हुई। बाद में गवर्नर जनरल और पंजाब के गवर्नर ने कुछ लोगों की फांसी को काला पानी की, आजीवन काला पानी की सजा में बदल दिया, यानी कुल मिला के 7 लोगों को उस पहले केस में फांसी दी गई। और जो दूसरे और तीसरे केस हुए चले, मुकदमे चले, उसमें 6 लोगों को फांसी दी गई, यानी कुल मिला के जो फांसी देने की संख्या थी वो 19 थी। तो यहाँ की जो घटनाएं हैं इनको आप लिपिबद्ध कर लें, क्योंकि लिपिबद्ध करने में ज़्यादा विश्वास है। तो आइए, भारत आने का निर्णय हुआ। क्यों भारत आने का निर्णय हुआ, यह निर्णय क्यों हुआ है? क्योंकि विश्व युद्ध का लाभ उठाते हुए भारत में क्रांति की जाए। यहाँ परंतु पंजाब में इन क्रांतिकारियों को जनता का पूरा समर्थन नहीं मिल पाया। जब पूरा समर्थन नहीं मिल पाया तब इन लोगों ने क्या सोचा? तब सोचा कि सेना में विद्रोह कराया जाए, यानी भारतीय सैनिकों से संपर्क किया जाए और उन्हें विद्रोह के लिए तैयार किया जाए। भारत आने वाले जो लोग थे इसमें श्रीलंका व दक्षिण से आने वाले लोग पंजाब तक बिना पुलिस जांच के पहुंचने में सफल हो गए। इधर से जो कलकत्ता और दक्षिण पूर्व, या इधर जो पूर्वी बंदरगाह हैं या पश्चिमी बंदरगाह हैं, यहाँ से जो लोग आए थे उनकी जांच पड़ताल हुई थी और उसमें 189 लोगों को जेल में नज़रबंद किया गया
और कुछ लोगों को जाने की अनुमति दे दी गई, लेकिन उनके घर पे ही नज़रबंद किया गया, वहीं पर उन पर नज़र रखी जा रही थी उनकी गतिविधियों पे। तो लगभग 704 ये संख्या कहीं कहीं अलग अलग भी मिलती है, लेकिन जिसको आप जिस किताब को आप कमीशन के सामने साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकें उस किताब के ये आंकड़े हैं। 704 जो है घरों में नज़रबंद किए गए, घरों में नज़रबंद किए गए। ठीक, तो इतने लोग तो नज़रबंद हो गए, लेकिन अधिकांश लोग यहाँ से दक्षिण से आने में सफल हो गए। यहाँ नेतृत्व की तलाश हुई, तो सचिंद्र सन्याल बनारस के हैं, आप जानते ही हैं इनको, और क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय थे। सचिंद्र सन्याल और विष्णु पिंगले ये अमेरिका में गए थे, वहाँ से आए थे। विष्णु पिंगले, सचिंद्र सन्याल और विष्णु पिंगले के प्रयत्नों से रास बिहारी बोस यानी मोटा भाई से संपर्क किया गया। तो मोटा भाई से संपर्क किसके प्रयत्नों से हुआ? सचिंद्र सन्याल और विष्णु पिंगले के प्रयत्नों से। रास बिहारी बोस इसके लिए तैयार हो गए, ठीक है हम नेतृत्व के लिए तैयार हो गए। अब जब नेतृत्व के लिए तैयार हो गए तो इन्होंने योजना बनाई। योजना क्या बनाई कि 21 फरवरी 1915 को विद्रोह की तिथि तय की गई, लेकिन सरकार को इसकी खबर लग गई थी, तो इसलिए इस तिथि को क्या किया गया, इस तिथि को परिवर्तित कर दिया गया। परिवर्तित करके क्या किया गया, 19 फरवरी 1915। तो ये तिथि भी पूछी जाती है कि किस तिथि को विद्रोह हुआ था। तो विद्रोह जो है 21 को पहले तिथि थी, आप कहेंगे 19 फरवरी को यह तिथि तय की गई, लेकिन कृपाल सिंह नामक एक भेदिए के कारण यह योजना असफल हो गई। कृपाल सिंह नामक एक भेदिए से यह योजना असफल हो गई, पुलिस को पता लग गई, गिरफ्तारियां हुई। तो गिरफ्तारियों में अनेक लोग गिरफ्तार किए गए, षड्यंत्र केस चला, तो इसमें लाहौर षड्यंत्र केस चला, और इस लाहौर षड्यंत्र केस में कुल मिला के पहले केस में 24 लोगों को फांसी दी गई, फांसी की सज़ा हुई, लेकिन फांसी दी गई 7 को ही। गवर्नर जनरल ने 24 में से 7 17 यानी 16 लोगों को गवर्नर जनरल ने इस फांसी की सज़ा को आजीवन काला पानी में बदल दिया था, और एक को पंजाब के गवर्नर ने आजीवन काला पानी में बदल दिया था। तो यहाँ पे 7 लोगों को फांसी हुई। 2 अन्य पूरक केस इसके चले, लाहौर पूरक केस, जिसमें 6 लोगों को फांसी दी गई, यानी कुल 19 लोगों को इसमें फांसी दी गई। फांसी होने वालों में सबसे महत्वपूर्ण आपके करतार सिंह शराभा जो है, इनको फांसी दी गई। करतार सिंह शराभा को यहाँ फांसी दी गई। विष्णु पिंगले को फांसी दी गई। तो ये 2 महत्वपूर्ण नाम हैं जिनको इस केस में फांसी दी गई। अब 1915 के बाद यह तो यहाँ योजना असफल हो गई, रास बिहारी बोस भागने में सफल हो गए। यह योजना जो है इसके असफल होने के बाद भी अमेरिका में लोग गदर पार्टी के जीवित रखे रहे, लेकिन धीरे धीरे विश्व युद्ध समाप्त होने की कगार पे है। तो विश्व युद्ध जब समाप्त होने की कगार पे है, तब इस विद्रोह की का औचित्य जो है वो समाप्त हो जाता है। तो ये है आपका गदर पार्टी और गदर पार्टी से जुड़ी हुई घटनाएं। एक घटना इसी अमेरिका से संबंधित है, कामा माटागामू जो प्रकरण है, यह गुरुदत्त सिंह द्वारा शुरू किया गया था। गुरुदत्त सिंह हांगकांग
गए थे 1911 में, और वहाँ उन्होंने देखा कि कुछ लोग, लगभग 150 लोग हमें कनाडा जाने के लिए तैयार थे, लेकिन कनाडा सरकार ने वही जो नियम लगाया था कि आप नहीं आ सकते, सीधे भारत से आए तभी अनुमति है। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि कनाडा के उच्चतम न्यायालय ने 35 यात्रियों को आने की अनुमति दे दी थी, वो लोग सीधे भारत से नहीं गए थे। तो इससे प्रोत्साहित होकर इन लोगों ने, गुरुदत्त सिंह ने एक जहाज, एक सिंगापुर के एक एजेंट के माध्यम से, पुणे के माध्यम से, उन्होंने एक जापानी जहाज कामागाटा मारू को किराए पर लिया और ये हांगकांग से जहाज चला वैंकूवर के लिए। बीच में रास्ते में शंघाई रुका, मोजी रुका, याकोहामा रुका, इन तीनों जगहों पर लोग जहाज में वहाँ के भारतीय आके यात्रियों को प्रेरित किए। 376 कुल 376 इस जहाज में यात्री थे, जिसमें से 25 मुसलमान थे। तो कामागाटा मारू प्रकरण, यह कामागाटा मारू जो है जहाज का नाम है, इसलिए इसे कामागाटा मारू प्रकरण नाम दिया गया 1914। यह कामागाटा मारू क्या है, जापानी जहाज था, यह जापानी जहाज है। इसे किराए पर किसने लिया था, किराए पर लिया है गुरुदत्त सिंह ने, किराए पर गुरुदत्त सिंह ने लिया था। गुरुदत्त सिंह 1911 में हांगकांग गए थे, पहले ये मलाया वगैरह में ठेकेदारी का कार्य करते थे। वहाँ गए तो वहाँ देखे कुछ लोग जाने के लिए तैयार हैं, और इसी बीच जो कनाडा का उच्चतम न्यायालय है उसने 35 लोगों को जो सीधे भारत से नहीं आए थे उनको कनाडा में प्रवेश की इजाज़त दे दी थी। इससे प्रेरित होकर इन्होंने यह जहाज बुने नामक एक एजेंट के प्रयत्नों से यह जहाज किराए पर किया। और यह जहाज निकला कहाँ से, हांगकांग से, जाना कहाँ इसे, वैंकूवर जाना है, कनाडाई नगर है, हांगकांग से वैंकूवर जाना है। बीच में यह विभिन्न स्थानों पर रुका, जिसमें आपका शंघाई, मोजी, याकोहामा में जब रुका तो यहाँ पर करतार सिंह सराभा भगवान सिंह और बकतुल्ला यहाँ पर आकर लोगों को प्रेरित किए, भाषण दिए। उसके बाद यह जहाज आगे बढ़ा, वैंकूवर की तरफ गया। यह जहाज निकला था 4 अप्रैल 1914 को और पहुंचा था 23 मई को वैंकूवर तट पर। 23 मई 1914 को यह वैंकूवर तट पर पहुंचा था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इन्हें अनुमति नहीं दी, यहाँ रहने की अनुमति इन्हें नहीं दी गई, उतरने की अनुमति नहीं दी गई। काफ़ी समय तक नोकझोंक चलती रही। अंत में यात्रियों ने कहा, ठीक है, नहीं उतरने की अनुमति है तो हमारे राशन पानी की व्यवस्था कर दीजिए, हम लोग जाएं। ब्रिटिश सरकार ने यह कहा कि इस जहाज़ को सीधे कलकत्ता लाया जाए, इस जहाज़ को कहीं और नहीं ले जाया जाए, सीधे कलकत्ता लाया जाए। इनकी संख्या भी, इस जहाज़ में जो लोग शामिल थे, 376 लोग शामिल हैं, जिसमें से 25 मुस्लिम हैं, यह संख्या भी ध्यान रखिएगा। तो इन्हें सीधे, अब यहाँ से वैंकूवर तट से इन्हें सीधे कलकत्ता लाने का आदेश ब्रिटिश सरकार ने दिया, इन्हें अन्य कहीं नहीं जाना है, सीधे कलकत्ता आना है। यह जहाज जो है 23 जुलाई को यहाँ से चला, 23 जुलाई को चला आपके वैंकूवर से कलकत्ता के लिए, और 29 सितंबर को यह कलकत्ता पहुंचा। 29 सितंबर 1914 को यह कलकत्ता पहुंचा, कलकत्ता के वजवज बंदरगाह पर यह जहाज पहुंचा। यहाँ के जो जहाज के यात्री थे वो कलकत्ता घूमना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार पहले से ही यह व्यवस्था की थी, एक ट्रेन लगाई गई थी कि इन सब लोगों को ट्रेन में बिठाकर सीधे पंजाब भेज दिया जाए।
लेकिन इसी संदर्भ में झड़प हुई, और झड़प हुई तो लगभग 18 या 20 लोग इस झड़प में मारे गए। कुछ लोग भागने में सफल हो गए, लगभग 20 लोग पुलिस की नज़र बचाकर भागने में सफल हो गए। अन्य लोगों को कुछ घायल हुए और अन्य लोगों को पंजाब भेज दिया गया। तो इस घटना ने क्या किया कि जो भारतीयों में एक क्रांति की जो भावना है उसको भड़काने का भी इस घटना ने कार्य किया था। इस अमेरिका के इस आंदोलन में यानी गदर आंदोलन में, और इसमें आप देख रहे हैं कि यह ऐसा आंदोलन था जिसमें सांप्रदायिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है। हर लोग हिंदू मुस्लिम सिख सभी इसके साथ हैं और सभी मिल के क्रांतिकारी आंदोलन, कोई भी इसमें किसी प्रकार का धार्मिक प्रतीक का प्रयोग इसमें नहीं किया गया। यह इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता थी गदर की भी। तो ये अमेरिका की कुछ घटनाएं हैं। एक घटना आपको और देखने को मिली, वो घटना है अफगानिस्तान में भारत की अस्थाई सरकार का गठन। अफगानिस्तान यानी काबुल में अस्थाई सरकार का गठन। दरअसल कुछ भारतीय पहले से जर्मनी गए थे, वहाँ बर्लिन कमेटी बनाई गई थी जिसमें आपके भूपेंद्र नाथ दत्त थे, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय थे, अवनीश चट्टोपाध्याय थे। तो इन लोगों ने एक बर्लिन कमेटी बनाई थी जो बर्लिन जो जर्मनी सरकार थी उससे संपर्क में थी, क्योंकि वह जो है ब्रिटेन के विरोध में थी। तो ये लोग वहाँ से सैन्य सहायता और अन्य प्रकार की धन आदि की सहायता लेकर भारत में क्रांति करना चाहते थे। प्रारंभ में इस तरह का सपोर्ट बर्लिन से मिला भी। तो यह जो बर्लिन कमेटी है, यहीं आपके महेंद्र प्रताप सिंह गए हुए थे, बरकतुल्ला भी वहाँ गए थे। इनका महेंद्र प्रताप को वहाँ के जो चांसलर हैं जर्मनी के, उनसे भी मिलवाया गया, और एक शिष्टमंडल अफगानिस्तान वो भेजना चाहते थे। तो महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला के साथ कुछ उनके भी अधिकारी थे, और कुछ जो सीमा प्रांत के पठान थे, अफगान थे, वो लोग क्या किए थे कि पहले ब्रिटिश सेना में थे, तो वो लोग जर्मनी द्वारा उन्हें कैद किया गया था, तो उन लोगों को भी कुछ लोगों को साथ भेजा गया। तो ये लोग काबुल आए, महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला काबुल आए। यहाँ उबैदुल्ला जो शाह थे काबुल के, उनसे जो चांसलर का पत्र था उसे भेंट किया, और यहाँ पर काबुल में दिसंबर 1915 में अस्थाई सरकार बनाई गई। भारत की अस्थाई सरकार, पहली अस्थाई सरकार यही काबुल की है, महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में। महेंद्र प्रताप राष्ट्रपति बने इसके, बरकतुल्ला प्रधानमंत्री बने, मौलवी उबैदुल्ला इसके गृह मंत्री बने। तो यह सरकार कार्य करने लगी। इस सरकार ने जो चांसलर जर्मनी के चांसलर थे, विभिन्न भारतीय राजाओं को भी पत्र लिखे थे, इसने वो पत्र भारतीय राजाओं तक पहुंचाया। नेपाल के शासक को भी उन्होंने पत्र लिखा था ब्रिटेन का समर्थन न करने के लिए, वह पत्र भी वहाँ पहुँचा, लेकिन भारतीय राजाओं और नेपाल की तरफ से कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं हुई। अंततः यहाँ जो लोग गिरफ्तार किए गए थे पहले से कुछ भारतीय, उन लोगों को यहाँ से, जिसमें महमूद हसन भी थे, उन लोगों को इस सरकार ने जो अफगानिस्तान के शाह हैं उनसे कह के छुड़वा दिया। इस सरकार ने कुछ अध्यादेश भी जारी किए, लेकिन कोई मतलब नहीं था उस अध्यादेश का। इस सरकार को समर्थन जो मिला रूस और जर्मनी को मिला हुआ था, तो एक प्रतीकात्मक रूप से यह सरकार बनी रही।
फिर आपके एक रेशमी रुमाल कांड, रेशमी रुमाल कांड या षड्यंत्र के नाम से एक षड्यंत्र है। मौलवी उबैदुल्ला यहाँ आपके सहारनपुर का जो यहाँ विद्यालय था, तो जो मदरसा था, तो उस मदरसा के वो प्रोफेसर थे, भूतपूर्व प्रोफेसर मौलवी उबैदुल्ला, और यहीं के एक और प्राध्यापक थे महमूद हसन। तो ये दोनों लोग भारत भ्रमण किए, उसके बाद ये लोग काबुल निकल गए। ये अब्दुल्ला तो यहाँ आ गए, गृह मंत्री बन गए, और महमूद हसन आपके अरब चले गए, और वहाँ ये जो तुर्की सरकार है उसे समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करने लगे। मक्का के जो मौलवी हैं उनसे समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करने लगे। इसी संदर्भ में उबैदुल्ला ने एक पत्र लिखा था, पीले रेशमी रुमाल पर, पीले रेशमी कपड़े पर यह पत्र लिखा गया था महमूद हसन को, और इस पत्र में यह कहा गया था कि आप तुर्की के शासक को तैयार कीजिए, मक्का के जो मौलवी हैं उनसे आप फतवा जारी करा लीजिए, और एक सेना का गठन कीजिए, और उसके आप सेनापति रहिए, जिससे कि भारत में जिसका प्रयोग भारतीय स्वतंत्रता के लिए किया जा सके। बीच में यह इस पत्र को 1916 की यह घटना है, बीच में इस पत्र को पुलिस के हाथ लग गया यह पत्र, और इसीलिए इसे बाद में मक्का से हसन को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसीलिए इसे रेशमी रुमाल कांड कहा जाता है। इस संदर्भ में कुछ अन्य केसेस भी हैं जिनके सिर्फ डेट्स याद रखिए। विक्टोरिया के षड्यंत्र केस जो चला था वह आपका कनाडा में चला था 1915 में, वैसे ही आपका सैन फ्रांसिस्को षड्यंत्र केस चला था 1917 में, या सैन फ्रांसिस्को षड्यंत्र केस चला था, क्योंकि उस समय जब ही अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ भारतीयों के प्रति उसकी नीति कठोर हो गई, और इसी संदर्भ में वहाँ पर कुछ भारतीयों को गिरफ्तार किया गया कि ये लोग यहाँ हथियार वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं या ब्रिटेन के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो ये कुछ तोसामारू एक कांड है। तोसामारू नामक एक जहाज था 1914 में, यह जहाज भारत आ रहा था, और इसमें जब इस जहाज सिंगापुर रुका तो सिंगापुर में परमानंद ने इसमें एक बड़ी उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया, जिससे यहाँ के सैनिक जो हैं, जो सिंगापुर में भारतीय जो सैनिक तैनात थे, वो लोग विद्रोह के लिए प्रेरित हो गए, जिसमें इसीलिए इसे तोसामारू कांड कहा जाता है। और सिंगापुर में जो पांचवी इन्फेंट्री है भारतीयों की, वह भी विद्रोह की थी, तो सिंगापुर में ये दो विद्रोह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो तोसामारू जो कांड था यह सिंगापुर से संबंधित है, और भारतीय जो ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिक हैं उन्हें विद्रोह कराने के लिए प्रेरित करने से संबंधित है, जिसमें चितर सिंह और डंडे खां, चितर खां और डंडे खां ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ये कुछ घटनाएं आपकी रहीं क्रांतिकारी आंदोलन संबंधी। अब क्रांतिकारी आंदोलन को यहीं विराम दिया जाए, और फिर हम लोग 1900 अब ये देखा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस प्रथम विश्व युद्ध में क्या कर रही है, उसकी क्या रणनीति है, जिसमें आपके गांधी जी भी होंगे, तिलक भी होंगे, अन्य सभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित नेताओं की क्या रणनीति है, वो इसका लाभ उठाना चाहते हैं या ब्रिटेन का समर्थन करना चाहते हैं। ठीक, धन्यवाद।